Hey guys, welcome back. So, कुछ दिन पहले मैंने टॉप 10 बेस्ट एरोटिक सीरीज के बारे में कहा था, बट आज हम देखने वाले हैं 7 बेस्ट 18 प्लस मूवीज जहां पर एडल्ट सीन भर भर के हैं। एंड आई एम श्योर आप लोग इस तरह के मूवी सर्च करते होंगे। सो वीडियो को एंड तक देखना है, चैनल पर नए तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो फर्स्ट मूवी है डिसओबीडियंस। इस मूवी का स्टोरी कुछ खास नहीं है, एटलीस्ट मुझे तो नहीं लगा, बिकॉज मूवी में कुछ नहीं है, बस भर भर के एडल्ट सीन है। तो जिन लोगों को सिर्फ एडल्ट कंटेंट देखना है वो लोग अभी का भी इस मूवी को देखो। मूवी में तो लेस्बियन की स्टोरी दिखाया गया है, रोनित एंड स्टी। रोनित बचपन में स्टी को पसंद करती थी, बट किसी रीजन से उसको स्त्री से दूर होना पड़ा। रीजन क्या है उसके लिए तो आप मूवी देखो। बट कुछ साल बाद जब रोनित फिर से लंदन लौटी तो उसकी मुलाकात फिर से स्त्री से होती है, बट तब तक स्त्री की शादी हो चुकी होती है, लेकिन इस बार दोनों की तरफ अट्रैक्ट होती है। उसके बाद क्या होता है दोनों के बीच आपको पता ही होगा। मूवी में भर भर के सेक्स सीन्स है, तो अगर आपने नहीं देखा है मूवी तो अभी का अभी देखो एंड फुल मजे लो, एंड क्या पता आपको स्टोरी भी पसंद आ जाए। सो नेक्स्ट मूवी है थ्रू माय विंडो। इस मूवी में भाई अनलिमिटेड सेक्स सीन्स है, मतलब समटाइम्स बहुत ज्यादा अननेसेसरी सेक्स सीन डाला गया है, बट इसी का मजा है। आई एम श्योर आप लोग इसी के लिए मूवी देखोगे। मूवी का स्टोरी कुछ खास नहीं है, ये एक रोमांटिक मूवी है। मूवी का स्टोरी फॉलो करता है रकेल के कैरेक्टर को। रकेल को प्यार हो जाता है उसके घर के सामने एक अमीर बाप के बेटे के साथ, एंड उसके बाद क्या होता है, मतलब प्यार होने के बाद क्या होता है वो तो आपको पता ही होगा। बट मूवी में लव ट्रायंगल का भी प्लॉट डाला गया है, तो मूवी का स्टोरी ठीक ठाक है। जिनको लव स्टोरी के साथ भर भर के एडल्ट सीन देखना पसंद है उनको ये वाला मूवी बहुत ज्यादा पसंद आएगा। सो नेक्स्ट मूवी है लव एंड लीचेस। ये एक रोमकॉम कोरियन मूवी है। मूवी में ज्यादा तो एडल्ट सीन नहीं है, बट जितना भी है आपका काम हो जाएगा। इस मूवी का पेस थोड़ा स्लो है, आपको फील होगा थोड़ा स्लो है पेस, बट इस मूवी का स्टोरी एंड प्रेजेंटेशन भाई कमाल का है। मूवी में दो कोवर्कर के बीच कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप के बारे में दिखाया गया है। अगर आपने 50 शेड्स ऑफ ग्रे देखा है तो थोड़ा बहुत प्लॉट सेम है, उतना भी एक्सट्रीम नहीं है, बट मूवी देखो आपको भी यही फील होगा। मूवी हिंदी में अवेलेबल है एंड हिंदी डबिंग कमाल का है। सो नेक्स्ट मूवी है लव एंड अदर ड्रग्स। ये एक टिपिकल रोमांटिक कॉमेडी मूवी है। मूवी में बस मुझे एक ही चीज पसंद आया है, वो है एनी आथवे। भाई बंदी ने जो एक्ट किया है भाई देख के मजा आ गया। बट मूवी से ज्यादा इन्फ्लुएंस मत होना, बिकॉज रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। स्टोरी फॉलो करता है दो कैरेक्टर को, जेमी एंड मैगी। जेमी रैंडल को बस एक ही चीज चाहिए, वो है सेक्स। मतलब वो जहां जाता है मुंह मारता है, उसका लक इतना अच्छा है उसको मिल भी जाता है। उसके बाद जेमी एंड मैगी क्लोज होते हैं, उसके बाद क्या क्या होता है मूवी में उसके लिए तो आप मूवी देखो। मूवी में बहुत सारे एडल्ट सीन है, तो गलती से भी फैमिली के साथ मत देखना। सो नेक्स्ट मूवी है अनफेथफुल। मूवी का नाम सुन के आपको पता चल गया होगा इसका प्लॉट क्या है। स्टोरी फॉलो करता है एक कपल को, जहां वाइफ को एक स्ट्रेंजर से प्यार हो जाता है। प्यार नहीं, आप एक तरह से लस्ट कह लो, बिकॉज वाइफ को हस्बैंड से सब कुछ मिलता है बट वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, तो वो एक स्ट्रेंजर के साथ अफेयर शुरू कर देती है। मूवी में भर भर के सेक्स सीन है, मूवी का स्टोरी भी काफी सही है, खासकर एंडिंग देख के आपको अच्छा बुरा दोनों फील होगा। तो अगर आपको एक अच्छा खासा स्टोरी के साथ बहुत सारे सेक्स सीन देखना है तो इस मूवी को मिस मत करना। सो नेक्स्ट मूवी है फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। मूवी का प्लॉट बहुत ज्यादा यूनिक है। मूवी में दो बेस्ट फ्रेंड है, उन दोनों को फ्रेंडशिप में सेक्स को ऐड करना है, बट उन दोनों को रिलेशनशिप नहीं चाहिए। तो फ्रेंडशिप में सेक्स ऐड करने के बाद बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, दोनों किस तरह से एक दूसरे से मजे लेते हैं उसके लिए तो आप मूवी देखो। मूवी में काफी सारे सेक्स सीन्स है, तो फैमिली के साथ मत देखना। सो नेक्स्ट मूवी है क्वीन ऑफ हार्ट्स। ये मूवी एडल्ट सीन के मामले में सबसे ज्यादा ऊपर है, मतलब मूवी में खुल्लम खुल्ला सब कुछ दिखाया गया, मतलब सब कुछ, तो गलती से भी फैमिली के साथ मत देखना। इस फिल्म में एक लॉयर एंड उसके टीनेज स्टेपसन के बीच अफेयर दिखाया गया है, बट अफेयर के साथ साथ ब्लैकमेलिंग का भी कॉन्सेप्ट डाला गया है। सो अगर आपको थ्रिल से भरा हुआ मूवी देखना है एंड साथ में बहुत सारे सेक्स सीन्स देखना है तो इस सीरीज को चेकआउट कर सकते हो। सो ये था टॉप 7 बेस्ट एरोटिक मूवीज मेरे पीओवी से। आपने क्या क्या ऑलरेडी देखा है प्लीज कॉमेंट कीजिए, एंड आई होप गाइज आपको मेरा लिस्ट पसंद आया होगा। पसंद आने से प्लीज गाइज डू शेयर लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड गाइज प्लीज डू सपोर्ट मी, बिकॉज इस चैनल पर मैंने नया नया रिव्यू करने स्टार्ट किया। सो गाइज प्लीज डू सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो या गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।